है hey, आज हम बात करेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी के अगले चरण 5G के बारे में। 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और क्या इसका प्रयोग पूरी तरह सुरक्षित है? तो आइए शुरू करते हैं। फाइव जी यानी फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी की सीरीज है जो 1979 में 1G के साथ आरंभ हुई थी। 1G से हमें फोन कॉल्स करने की सुविधा मिली, 2G ने हमें SMS करने और 3G ने हमें फोन्स में इंटरनेट प्रयोग करने की क्षमता दी। वहीं 4G अपने साथ HD वीडियो कॉलिंग और फास्ट इंटरनेट जैसी और भी कई सुविधाएं लाया। इन सभी टेक्नोलॉजीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा इंफॉर्मेशन या डेटा का आदान प्रदान होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी अहम भूमिका निभाती है। फ्रीक्वेंसी आसान भाषा में किसी वेव की एनर्जी या डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी को कहा जा सकता है। अधिक फ्रीक्वेंसी मतलब अधिक डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी। जहां 4G अधिकतर 2 GHz से 8 GHz की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है, वहीं 5G 50 GHz से भी आगे जा सकता है, जिस कारण 4G की तुलना में 5G कई अतिरिक्त सुविधाएं देने में सक्षम है, जैसे 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड्स, जिससे हम 2 घंटे की HD मूवी कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड कर पाएंगे, ड्राइवरलेस कार्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे हम अपने घर की लाइट्स से लेकर अप्लायंसेस तक सब अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकेंगे। 5G 3 प्रकार के हो सकते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड 5G हाई रेंज यानी लंबी दूरी तय करने वाली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करता है, जिनकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी 4G जितनी या उससे थोड़ी ही अधिक होती है। वहीं मिड बैंड 5G लो बैंड के विपरीत ज्यादा डेटा कैरिंग कैपेसिटी परंतु कम रेंज देता है। फिर आता है हाई बैंड 5G। 5G की 10 GBPS जैसी हाई स्पीड्स इसी बैंड में संभव है। डेटा ट्रांसफर के लिए हाई बैंड 5G मिलीमीटर वेव्स का प्रयोग करता है। ये वेव्स बहुत ही हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं, पर इनकी रेंज सिर्फ लगभग 500 मीटर तक ही होती है। इसके समाधान के लिए 5G MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग टावर में मल्टीपल यानी कई सारे एंटीनास का प्रयोग करके कई इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को एक साथ सेंड या रिसीव किया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है बीम फॉर्मिंग, जिसमें सिग्नल टावर से चारों दिशा में ना जाके सीधा आपके स्मार्टफोन तक आता है, जिससे इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग और डिस्टर्बेंस कम रहती है। इसके अलावा ये फुल ड्यूप्लेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा आने और जाने वाले सिग्नल्स को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर पाएगा, जिससे 5G नेटवर्क और भी ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। मिलीमीटर वेव्स की रेंज बहुत कम होती है, क्योंकि पेड़ बिल्डिंग जैसी वस्तुएं उन्हें एब्जॉर्ब करने में सक्षम है, इसलिए रेंज बढ़ाने के लिए एक स्थान में कई सारे मिनी सेल टावर्स कुछ कुछ दूरी पर लगाने होंगे, जो कनेक्शन को बनाए रखने में सहायता करें। इन्हीं आवश्यकताओं के चलते हाई स्पीड 5G को पूरी तरह मार्केट में आने में कुछ वर्षों का अतिरिक्त समय भी लग सकता है। पर एक प्रश्न जो कई बार सामने आया है कि क्या 5G वेव्स हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? इसके उत्तर के लिए हमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में जानना होगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरेज, गामा रेज हमें यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों में देखने मिलती हैं। इन पदार्थों से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत हाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये ह्यूमन बॉडी में कैंसर पैदा कर सकती हैं। पर 5G रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जैसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग करता है, इसलिए इसमें अधिकतर आयोनाइजिंग रेडिएशन वाले दुष्प्रभाव देखने नहीं मिलते। हालांकि इन वेव्स में हीट यानी गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता देखी गई है, परंतु 5G के इस क्षेत्र में अभी भी रिसर्च जारी है और इससे संबंधित और भी जानकारी हमें आने वाले समय में मिल सकती है। तब तक ऐसे ही और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए दबाएं सब्सक्राइब और बेल आइकन को और जुड़े रहें साइंस ऑफ साइंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।